Hello friends, welcome to my YouTube channel Trendonomics by Hirst. So there is weakness in Bank Nifty. Nifty is still not that weak, but yes, we had a selling pressure today as we expected. So kaha pe jayega? First of all, wish you all Merry Christmas. Is kya Santa rally aayega? Santa to red mein aata hai. Santa red color pehen ke to maine bhi pehna hai. तो क्या फॉल आएगा, नया लो आएगा? विल टॉक अबाउट दैट. निफ्टी, बैंक निफ्टी आउटलुक गोइंग अहेड. सो वॉच द लैंड, एंड इफ यू आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब टू दिस YouTube चैनल, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, फॉलो मी ऑन ट्विटर. दिस इज माय ट्विटर @trendonomicshd, जहां पे मैं लाइव मार्केट शेयर करता हूँ, व्यूज, ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ. मेरे ट्रेड मैंने शेयर किए थे कल बैंक निफ्टी का, उस पर भी बात करेंगे ऑप्शन ट्रेड की. और ईयर एंड डिस्काउंट चालू है हमारा, दोनों कोर्सेस, इलियट वेव, प्राइस एक्शन, दोनों कोर्सेस हम लोग 999 में दे रहे हैं. अगर आपको अच्छे ट्रेड्स, हाई प्रोबेबिलिटी वाले करने हैं, तो डेफिनेटली यू नीड सम स्ट्रेटेजी. सो डेफिनेटली यू कैन लर्न इलियट वेव प्राइस एक्शन. आप देख ही रहे हो कितना पावरफुल है ये टूल. वापस हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कि इलियट वेव के बेस पे कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं एक्चुअली. सो लेट्स सी व्हाट वी आर, वेयर वी आर पॉज इन मार्केट. ओके, लेट्स डिस्कस द मार्केट नाउ. सो निफ्टी, तो हम लोग तो क्लियरली बोलते आ रहे हैं यहाँ से 18,000 से हम लोग बेरिश है. WXYZ यहाँ पे जाके परसों जब 16,400 आया था, वहां पे जाके हमने बोला कि हाँ भाई थोड़ा बाइनरी कर लो, अभी बाउंस बैक आएगा, शायद करेक्शन खत्म होने को आया है, और आइदर हुआ है या फिर हो जाएगा. तो क्या ये करेक्शन खत्म हो गया? अगर नहीं भी हुआ है तो ज्यादा नहीं है, अभी नीचे 16,200 तक आ सकता है. लेकिन एक बार नीचे आएगा अगर, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन और रैली बैक टू 17,600 प्लस 17,800 तक आएगा, ऐसा हमें लग रहा है. क्या ऑलरेडी हो गया बॉटम, दैट वी आर नॉट वेरी मच श्योर. लेकिन अगर नीचे भी जाता है समझो, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा 16,200-16,100 जोन में, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है 16,000 का, वो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है. वहां तक मैक्स मुझे एक्चुअली निफ्टी पे इतना कन्विक्शन नहीं लग रहा नीचे का, और इसलिए हमने निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड लिया ही नहीं, क्योंकि है नहीं कन्विक्शन तो शॉर्ट ट्रेड क्यों लेना है. बल्कि एक अच्छा खासा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है ये, शॉर्टिंग के लिए हो सकता है, लेकिन निगेटिव कंफर्मेशन आया नहीं निफ्टी में. वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूं, वीकली चार्ट पे तो पॉजिटिव क्लोज आया है ऑलमोस्ट अराउंड, यस स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन ये हैमर है. यस, और जो पैटर्न रहा था लास्ट 2 वीक से, के दो लास्ट 8 वीक से, 2 वीक्स करेक्शन, देन पुल बैक, 2 वीक्स करेक्शन, पुल बैक, और अभी आज ये वीक में 2 वीक हो गया और करेक्शन में भी हो गया बॉटम वीकली पे. यस, पॉसिबल है, क्यों नहीं. तो इसलिए हमने ट्रेड लिया नहीं है शॉर्ट टर्म में निफ्टी पे. शॉर्ट हमारा शॉर्ट बैंक निफ्टी पे है, तो वो उस ट्रेड में हमने कैसे ट्रेड बनाया था ऑप्शन में, वो भी हम लोग बात करेंगे. 120 का हमारा ऑप्शन बैंक निफ्टी का पुट 300 प्लस था, 330 था, 350 आज हाई मारा है, तो उस पर बात करेंगे कि ऐसे वाले ट्रेड कैसे ढूंढने हैं और बहुत कन्विक्शन के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप. सो निफ्टी में पॉसिबल है एक बार जेड वेव अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ हो, और शायद ABC में एक बार नीचे पैनिक सेल ऑफ वापस आ जाए, पॉसिबल है 16,200-16,100 में. इतना बहुत कन्विक्शन था नहीं तो ट्रेड किया नहीं, लेकिन आ सकता है. एक तो है कि ये जो राइज आया है, ये राइज करेक्टिव ही लग रहा है, ये राइज इम्पल्सिव लग नहीं रहा. दिस इज AB एंड क्या सी वेव कंप्लीट हो गया, सी वेव, हाँ यस, सी ABC इज कंप्लीट. बट अभी आगे जाके यहाँ पे फोर्थ वेव में आ रहा है करेक्शन, या ये एक नॉर्मल पुल बैक था, वो नहीं पता. सो हमने जैसे बोला कि ये इसमें अगर इसके नीचे जाएगा तो ये स्विंग हाई क्या है, ये स्विंग हाई 16,930 के आसपास, उसके नीचे जाएगा तो मार्केट करेक्शन देगा.
नहीं गया तो इतना बहुत श्योरली नहीं कह सकते कि नीचे ही जाएगा। तो अभी मंडे को पकड़ लो, अगर मंडे को आज का लूप ब्रेक होता है तो नीचे आएगा मार्केट, नीचे प्रोबेबली 16,400 16,200 तक भी आ सकता है। वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको, ये लो के नीचे शॉर्ट कर दो 16,900 के नीचे, स्टॉप लॉस लगाओ 17,070 का, ये जो स्विंग हाई है, और देखो नीचे कितना तक जाता है। बट यस डेफिनेटली इफ वी ब्रेक दिस देन वी मे हैव अ गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी, और एक बार एक पैनिक में लास्ट का फॉल आ सकता है अगर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है करेक्शन, पॉसिबल है। लेकिन एक बार वो फॉल हो जाएगा उसके बाद बहुत बड़ा पुल बैक लग रहा है, अराउंड 17,800 तक 17,900, उतना बड़ा पुल बैक, एक ट्रैप आएगा मार्केट में, हमेशा ट्रैप आता है इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने को। तो वो ये ट्रैप हो सकता है जनवरी में, और उसके बाद फिर बड़ा वाला फॉल। दिस इज माय करंट कि मैक्स टू मैक्स नीचे 16,100 16,200 जाएगा, वहां से बहुत बड़ा पुल बैक देगा 17,800 900 के आसपास में भी एटलीस्ट, और फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ फॉल जो रहेगा वो बहुत बड़ा है। दिस इज अवर इलियट वेव रीडिंग एज ऑफ नाउ, ये लग रहा है। और आगे अगर हम लोग जाते हैं तो अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है? तो बैंक निफ्टी में हमने हमें बहुत थोड़ा बेरिशनेस लग रहा है। सो दिस इज ए बी और सी वेव में अभी तक है बैंक निफ्टी आई थिंक। और कल हमने शॉर्ट ट्रेड लिया था यहाँ पे स्विंग शॉर्ट ट्रेड, सो आज के लो के नीचे बैंक निफ्टी फिर वापस नया लो बना सकता है मार्केट में। हमने कल भी डिस्कस किया था कि 33,500 560 तक नीचे लग रहा है हमें, बैंक निफ्टी वीक है तो वो कल भी डिस्कशन किया था हमने, और हमने बोला था कि एक कल कल हमने ऑलरेडी शॉर्ट ट्रेड लिया था। यस डे एंड को हमने लिया था क्योंकि यहाँ पे देखो वेज ब्रेक है, ये राइजिंग वेज है, ये राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन है, और आज भले मार्केट ऊपर खुला लेकिन ओपनिंग में ही मार्केट ने वापस नीचे ब्रेक किया था कल के लो के नीचे। सो वो एक क्लैरिटी था कि हाँ मार्केट को नीचे ही जाना है। एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आया, नीचे आया मार्केट, फिर थोड़ा साइडवेज रहा पूरा दिन, और एक बाउंस बैक तो आया था लेकिन डे एंड को वापस मार्केट नीचे गया। तो अभी अगर ये लेवल है, ये जो लेवल है 34,700 उसके नीचे जाता है मार्केट, या फिर ये जो ट्रेंड चैनल है उसके नीचे जाता है, बेसिकली लास्ट आवर का लो है जो 34,800 का, उसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो एक अच्छा खासा वापस एक फॉल देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में 33,560 तक पॉसिबल है हमें लग रहा है। एक बार यहाँ पे आएगा तो 34,800 700 जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, अगर वो ब्रेक होता है नीचे में तो वापस एक फॉल ट्रिगर होगा मार्केट में बैंक निफ्टी में 33,600 तक आ सकता है, 500 से 600 के बीच में, और उसके बाद देखेंगे बॉटम बनता है क्या बैंक निफ्टी में। तो एक बार तो नीचे का चांसेस है आने के बैंक निफ्टी, और हमने तो ट्रेड लिया है शॉर्ट ट्रेड अभी भी ओपन है, कल लिया था आज वापस एक बार एग्जिट मार के ओपन किया है ट्रेड। सो क्यों, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम दूसरा सेक्टर देखते हैं, अगर हमें बाय करना है तो क्या करें। तो उसके लिए एक अच्छा सेक्टर है अभी भी जो स्ट्रांग है, दैट इज निफ्टी आईटी। यस दिस सेक्टर इज स्टिल स्ट्रांग। यस प्राइस एक्शन पे मैं देखूँ तो यहाँ पे साइडवेज फ्लैग जैसा बनाया है, और अभी वापस ब्रेकआउट आया है। यस दिस इज साइडवेज एंड देन अगेन मार्केट ब्रोकन आउट, सो कोई भी पुलबैक भी आता है यहाँ पे सस्टेन होता है ये लेवल पे, तो एक अच्छा खासा वो मिल सकता है वापस ऊपर। तो आई थिंक दिस इज फिफ्थ वेव अभी पेंडिंग है आईटी में, निफ्टी आईटी इंडेक्स है, दिस इज 1 2 3 4 और फिफ्थ। फिफ्थ थोड़ा शॉर्ट आएगा क्योंकि थर्ड फर्स्ट से शॉर्ट था, सो ज्यादा बहुत ऊपर नहीं लग रहा, मे बी
और 41,500 तक आ सकता है, फिर भी इट्स नॉट बैड यार, अराउंड 4,000 पॉइंट स्टिल, सो अराउंड 10% है, यस अराउंड 10% रैली इन आईटी इंडेक्स, आईटी स्टॉक्स में आ सकता है, फिर नॉट बैड, ऑल टाइम हाई पे है ऑलरेडी, और पुलबैक आ सकता है शायद, बोल नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा खासा और रैली मिल सकता है आईटी स्टॉक में. सो अगर 17,800 के हम लोग सोच रहे तो डेफिनेटली आईटी स्टॉक हेल्प करेंगे वहां पे जाने के लिए, सो आईटी स्टॉक पे ध्यान रखो. तो नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे कि नीचे में कितना आता है मार्केट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईटी स्टॉक और कितना ऊपर जा सकते हैं आईटी इंडेक्स. बट यस हमें लग रहा है एक बार ऊपर आएगा आईटी में और वही निफ्टी को पुल करेगा मे बी. सो आईटी इज गुड. अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जैसे ये थोड़ा ये वाला ब्रेक किया तो अच्छा खासा मूवमेंट मिला पुट में. हम लोग कल लेके गए थे पुट, सो क्या हुआ, 34,500 का पुट हमने सजेस्ट किया था तो उसका क्या हो गया. सो 34,000 का पुट 34,500 सॉरी दैट वी कैरीड यस्टरडे और बहुत लो रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड था. 20 rupees ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस था क्योंकि हमने 120-125 के आसपास लिया था और 100 का स्टॉप लॉस रखा था डेली लो का, तो 20-25 का स्टॉप लॉस. और आज अगर हम लोग देखते हैं कि कितना बड़ा तो ऊपर में ऑलमोस्ट 350 है, सो नॉट बैड यार, ऑलमोस्ट 120 का 350 आने ऑलमोस्ट 3 times हो गया. यस तो इतना फास्ट रिटर्न तो मिलता नहीं है यूजुअली. यस तो कैसे हमने ये किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी ये 15 मेज का चार्ट है तो यहाँ पे देखो ये एक ये जो 15 मेज से ये है मूविंग एवरेज, यहाँ से एक बार एक ब्रेकआउट आया था कल, हमने ऑलरेडी थोड़ा एंटिसिपेशन में किया था बाय यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले रहा था तो एंटिसिपेशन में हमने बाय किया था. पर अगर आपको ट्रेड करना है ये ऑप्शन पे तो डेफिनेटली आप ट्रेन लाइन्स लगाओ और ब्रेकआउट अगर मिलता है तो आपको अच्छा खासा एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो यहाँ पे थी एक अपॉर्चुनिटी यस, तो ये ट्रेन लाइन अगर आप लगा लो तो देखो तो ये वेज है और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे वेज का ब्रेकआउट आ रहा है तो पॉसिबल है और ये मूविंग एवरेज का भी है तो आज भी लेते अगर समझो आज भी ओपनिंग में ले लेते 150 के आसपास 150-160 और लगा देते स्टॉप लॉस 110 का फिर भी 340 तक गया था. सो वी बुक्ड वंस नियर 300 के आसपास एक बार बुक किया हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे बुक किया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और फिर अभी भी हम लोग कैरी कर रहे हैं. यहाँ पे हमें वापस दिखा के थोड़ा सपोर्ट ले रहा है तो वापस हमने लॉन्ग कर लिया अभी देखते हैं और ऊपर कितना जाता है. बैंक निफ्टी में अगर फॉल आता है तो ये सीधा यहाँ पे 870 जा सकता है. यस ये बीच में 560 के आसपास रेजिस्टेंस है वहां पे शायद रेजिस्टेंस ले सकता है लेकिन अगर फॉल ट्रिगर हुआ तो यहाँ पे 880 तक 860 तक जा सकता है. ये 34,500 का पुट है पॉसिबल है वहां तक जाएगा अगर फॉल बैंक निफ्टी में ट्रिगर हुआ तो. हम लोग का तो ऑलरेडी सौदा हो गया 120 से 300 ऑलमोस्ट, सो ऑलमोस्ट 3x हो गया. उसके बाद वापस हमने यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे एक बार किया था वो थोड़ा शॉर्ट टर्म लॉस में गया, एक बार यहाँ पे ऐड किया था और वो ये स्टॉप लॉस थी तो वो तो स्टॉप लॉस हिट हो गया. दैट्स नॉट लाइक इट्स ओके क्योंकि इंट्राडे में एक दो बार हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी कमाया था तो दैट्स फाइन और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट आया. अभी वापस हम लोग होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे और क्लोजिंग में भी ऊपर ही है. यस ये मूविंग एवरेज के भी ऊपर है और अगर अच्छा खासा राइज ट्रिगर होता है यहाँ पे तो बैंक निफ्टी में फॉल आएगा तो ये अच्छा खासा 560 फर्स्ट टारगेट है उसके बाद 860 और कुछ ज्यादा ही फॉल आ गया तो पता नहीं कितना बट स्टिल अ गुड ऑप्शन ट्रेड. तो यहाँ पे भी देखो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, यहाँ पे एक बेस बनाया और फिर सीधा वन वे मार्केट ऊपर गया. ये देखो
यहाँ पे तो क्या था, कितना था यहाँ पे, तो 75 रुपीज था। यस, तो सेम हुआ था यहाँ पे भी। देखो अगर ये ट्रेंड लाइन डालो तो ये ट्रेंड लाइन है, और सब जो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि हायर बॉटम बनाया और ये ब्रेकआउट दिया, ये भी एक ब्रेकआउट है। यस, शॉर्ट टर्म स्मॉल इस पे सीधा और 100 से 800 पे, तो ये जैकपॉट वाले ट्रेड ऐसे ही नहीं होते। मीन्स ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट होना चाहिए जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, और इसमें भी ऑप्शन में भी ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, सीधा मूव मिल गया। अभी यहाँ पे अगर ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता है, अभी ये लेवल है बराबर, अभी का रेजिस्टेंस ये है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है ये लेवल 350 का, तो अच्छा खासा मूव वापस मिल जाएगा। यस, तो लेट्स सी क्या होता है मंडे को, क्या मूव मिलेगा, देखते हैं। हमारा तो ट्रेड ओपन है, विल कीप विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्विंग लो। अगर होता है तो अच्छा है, नहीं तो ठीक है, ओके, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। और भी हम लोग वीडियोस लाएंगे, अभी थोड़ा एक बार बॉटम बन जाएगा तो तेजी का भी हम लोग सोचेंगे कौन से स्टॉक करने, क्योंकि अगर 17,800 आने वाला है तो वो तो स्टॉक देखने ही पड़ेंगे बस अच्छा खासा रैली के लिए। ओके, सो लेट्स सी फॉर पहले कहाँ पे जाता है मंडे नेक्स्ट वीक, कहाँ पे जाता है देखते हैं, नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग अस। यस, आज का 100 लाइक्स का टारगेट है, और फटाफट ऑफर है चालू तो इलेट वेव सीख लो। यस, सो दैट्स इट। This is Arjun signing off until we meet again.